हालचाल मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, उनको क्या करें जाके देख ले, क्योंकि हर एक वीडियो में एक नई चीज सिखाने की क्या कर रहा हूं कोशिश कर रहा हूं। तो उसी क्वेश्चन सीरीज में आज कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या करें, क्वेश्चन करना शुरू करें। आइए, क्या है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपको पीडीएफ गिवन है। पीडीएफ बेटा हम लोग किसको रैंडम वेरिएबल का डिफाइन करते हैं, जल्दी बताओ। पीडीएफ हम लोग उस रैंडम वेरिएबल का डिफाइन करते हैं जो रैंडम वेरिएबल कैसा होता है, कंटिन्यूअस इन नेचर होता है। और कंटिन्यूअस कैसे होता है रैंडम वेरिएबल, ये मैंने सब बताया है। चैनल विजिट करिए, वहां प्लेलिस्ट बनी है, वहां से वीडियो क्या करें देख लें। चलिए, पीडीएफ दे रखा है के एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, विद लिमिट जीरो एक्स इंफिनिटी। फाइंड म्यू वन डैश क्या होता है बेटा, मीन होता है। अब मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, क्लियर। म्यू वन डैश, म्यू टू निकालना, म्यू टू डेट इज वेरियंस, बीटा वन एंड बीटा टू, ठीक। ये चीजें आपको क्या करनी है निकालनी, क्लियर। तो बीटा वन और बीटा टू का फॉर्मूला मेरे को लगता है आपको याद हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही निकलवाया है। बीटा वन का फॉर्मूला क्या होता है, 23 और 32, और बीटा टू जो होता है वो म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर होता है, क्लियर। ये बीटा वन का फॉर्मूला होता है और ये बीटा टू का फॉर्मूला होता है, क्लियर हो गई बात, समझ में आया। यहाँ पे मैंने आपको म्यू थ्री का एक फॉर्मूला बताया था और म्यू फोर का एक फॉर्मूला बताया था, क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है तो अपनी कॉपी में लिख ले, अगर सही हो तो यहाँ से मैं लिखूंगा तो चेक कर लेना, अगर सही होगा, गलत होगा तो याद कर लेना, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक पीडीएफ दे रखा है के एक्स स्क्वायर ई के और माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर होगी बात। आप सबसे पहले क्या करो, ये कॉन्स्टेंट के है, इसकी वैल्यू निकालने की क्या करो कोशिश करो। कैसे निकालोगे, चलो देखो कैसे निकालेंगे। आपको ये पता है जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो होता है वो वन के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि विद इन अ फाइनाइट इंटरवल जो मैंने बताया था उसी का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फाइनाइट की जगह जीरो से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैंने लिमिट को क्या जीरो से इनफाइनाइट, क्लियर। एफ एक्स क्या दे रखा है बोलो, एफ एक्स क्या है, के एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। ओ हो, ये क्या बना दिया मास्टर, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, बायपार्ट्स लगा दें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं कुछ तुम्हें व्यवस्था बताता हूँ, व्यवस्था मतलब जुगाड़ बताता हूँ कैसे। देखो, क्या ये चीज तुम जानते हो क्या होता है, ये चीज तुम्हें पता है क्या होता है, ये चीज तुम्हें पता है क्या होता है, इस ये किसका फॉर्मूला है, ये बीटा फंक्शन होता है। ये चीज जो है ये पूरा बीटा फंक्शन यानी गामा फंक्शन होता है, गामा एन के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, गामा फंक्शन होता है, गामा एन के बराबर होता है। और फर्दर गामा एन को हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल, क्लियर। अब क्या मैं इस चीज को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे, देखो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स तो सेम है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मेन दिक्कत जो आ रही है वो ये आ रही है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो इन दोनों को क्या करें कंपेयर करेंगे। तो मैं यहां से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस वन, बिल्कुल। अब एक्सपोनेंट्स का रूल क्या कहता है, बेस सेम है पावर डिफरेंट, हो क्या हो जाएगा बराबर, टू इज इक्वल टू एन माइनस वन, क्लियर। तो एन की वैल्यू यहां से क्या आ गई, थ्री आ गई, क्या आ गई, थ्री आ गई। यानी ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, गामा, किसका, गामा थ्री के बराबर है। तो ये के गामा थ्री के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या चीज समझ में ही, कैसे हुई, नहीं समझ में है तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर पेपर में बिल्कुल भी बुद्धि ना चले, अगर बुद्धि क्या होता है ना, प्रेशर की वजह से बुद्धि काम करना बंद कर जाती है या उतनी प्रैक्टिस नहीं होती, तो कुछ मत करना। ये एक्स स्क्वायर है,
इसको कंपेयर कर देना एक्स एन माइनस वन से। अगर ये भी भूल जाओ तो कुछ मत करो, ये टू को सीधा कंपेयर कर दो किससे, एन माइनस वन से। यहां से तुम एन की वैल्यू क्या कर लो, निकाल लो, और यहां जो एन की वैल्यू आएगी ये टर्म उसी एन का क्या होगा, गामा होगा। अगर एन की वैल्यू टू है तो टू गामा थ्री है, थ्री गामा फोर है, फोर गामा, ठीक है। कुछ ना करो, एक्स टू को एन माइनस वन से क्या कर दो, कंपेयर। अब जो फैक्टोरियल एन होता है वो क्या होता है, एन माइनस वन, सॉरी गामा एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल के। तो ये हो जाएगा आपका टू फैक्टोरियल के टू फैक्टोरियल, ठीक है। टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बताओ, टू होती है, कि टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू होती है और वन हो गया। तो यहां से के की वैल्यू क्या निकल के आ गई, वन बाय टू निकल के आ गई। क्या निकल के, वन बाय टू, यानी ये जो कॉन्स्टेंट के है इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वन बाय टू, मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत। यहां पे एक नई चीज आपने क्या सीखी, ये कंपैरिजन, कंपेयर करके यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज की वैल्यू लिख सकते हैं। अब जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, बाय पार्ट्स लगा देगा, ठीक है, यूवी रूल जिसे आईलेट से सॉल्व करते हैं वो सब लगा के फंस जाएगा पूरी तरीके से। तो वो सब यहाँ कुछ नहीं करना, ये सीधे गामा एन का फॉर्मूला है और उसको कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लियर। चलिए, ये तो कॉन्स्टेंट के निकल आया। अब बात करते हैं म्यू वन डैश, म्यू वन डैश क्या होता है बताओ, म्यू वन डैश क्या होता है, म्यू वन डैश क्या होता है, जो कि मीन होता है। मीन कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला बताइए मीन का, जल्दी बताइए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, बोलो मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है मास्टर इंटीग्रेशन x एफ एक्स डी एक्स, यही होता है। चलो लगाओ फॉर्मूला कैसे होगा, देखो क्या मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू वन डैश लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है जीरो से इन्फिनिटी x एफ एक्स डी एक्स, यही होता है। एफ एक्स की वैल्यू पुट करिए क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स के एक्स स्क्वायर ई के और माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर हो गई बात। के कांस्टेंट है, आपने क्या कर लिया, बाहर कर दिया इंटीग्रेशन के, जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये देखो, ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर क्या बन गया, एक्स क्यूब बन गया, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओ हो, फिर वही कंपेरिजन, ये किसका, ये किसके बराबर होगा टर्म, ये टर्म बराबर होगा के, ये होगा गामा फोर के बराबर होगा। ऐसे कैसे मास्टर, देखो इस चीज को आप क्या करो, कंपेयर करो जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स से, इस चीज को कंपेयर करो इस चीज से। बताया था अगर ये भी भूल जाओ तो कुछ मत करो, थ्री को बराबर कर दो किसके, एन माइनस वन के। तो यहां से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फोर। तो ये जो फोर है ये किसके बराबर है, गामा फोर के बराबर है, ठीक है, बस सॉल्व करिए। अब गामा एन जो होता है वो एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, तो फोर माइनस वन थ्री, यानी ये किसके बराबर होंगे, थ्री फैक्टोरियल के। तो के मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल, और थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स होती है सिक्स के, और के की वैल्यू आप निकाल चुके हो क्या है, वन बाय टू। तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन बाय टू, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स। तो ये थ्री किसकी वैल्यू आ गई, म्यू वन डैश। ये क्या है मेरा, मीन है, क्या है बेटा, मीन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो मीन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इसको मैं क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ क्या लिख सकता हूँ, थ्री लिख सकता हूँ, मीन की वैल्यू थ्री आ गई, क्लियर। अब बात आती है म्यू टू, म्यू टू क्या होता है बेटा, वेरियंस होता है। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, वेरियंस का फॉर्मूला बताओ जब तक मैं रब कर रहा हूँ, वेरियंस का फॉर्मूला बताओ जब तक मैं रब करने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। चलो वेरियंस का फॉर्मूला निकाल के दो, जब तक वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेरियंस का जो फॉर्मूला था वो होता है, वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। क्या हुआ, ये क्या हो गया, चलो इसी से लिख देता हूं। क्या देखो, वेरियंस होता क्या होता है, म्यू टू, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। आपको म्यू वन डैश पता है जो कि मीन होता है, मीन की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे म्यू टू डैश नहीं पता। म्यू टू डैश का फॉर्मूला देखो,
म्यू टू डैश निकालने का क्या तरीका, जीरो टू इन्फेनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ये कैसे आ गया मास्टर? देखो हम लोग ने इससे पहले क्या निकाला था, मीन निकाला था। मीन जब निकाला था तो मैंने क्या लिखा था, एक्स एफ एक्स डी एक्स लिखा था जब मीन निकाला था। देखो कॉपी में लिख रहे हो तो ऊपर देखो वहां पे फॉर्मूला लिखा है, तो एक्स एफ एक्स डी एक्स है। वो कब था, जब म्यू वन डैश निकाल लेते। अब जैसे म्यू टू डैश निकाला तो एक्स की पावर क्या हो गई, टू हो गई। क्या हो गई, एक्स की पावर टू हो गई, एक्स की पावर टू हो गई। अब ऐसी अगर म्यू थ्री डैश निकालेंगे तो एक्स की पावर थ्री हो जाएगा, म्यू फोर डैश निकालेंगे एक्स की पावर फोर हो जाएगा, और एफ एक्स डी एक्स सब में मल्टीप्लाई। चलो रखो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो टू इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर, के को बाहर रख लीजिए, क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर फोर, बेस सेम पावर गेट एड एक्स की पावर फोर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। कुछ ना करिए, एक्स की पावर फोर को कंपेयर करिए किससे, एक्स की पावर एन माइनस वन से, वो भी भूल जाए तो क्या करें, फोर को बराबर कर दें एन माइनस वन के, फोर को बराबर करिए एन माइनस वन के, तो एन माइनस वन फोर, तो एन की वैल्यू क्या, फाइव। यानी ये जो पूरा टर्म है किसके बराबर है, गामा फाइव के, और गामा फाइव क्या होता है, एन माइनस, गामा एन की वैल्यू क्या होती है, गामा एन जो होता है वो एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, तो फाइव माइनस वन कितना हो गया फोर, तो के मल्टीप्लाई बाय फोर फैक्टोरियल, और फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, फोर इंटू थ्री इंटू टू मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू क्या है बेटा, वन बाई टू, तो टू वन जा टू, टू टू जा टू, वन जा टू, फोर थ्री जा क्या हो गया ट्वेल्व। ये किसकी वैल्यू आई, म्यू टू डैश की वैल्यू आई, म्यू टू डैश की वैल्यू क्या आई, ट्वेल्व आ गई। मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ क्योंकि ये जरूरी रिजल्ट हैं, अभी आगे काम आएंगे सब। क्या ठीक, क्या होगा, म्यू टू डैश जो है वो मेरा 12 आ गया, ठीक, और म्यू वन डैश मेरा क्या है, 3 है, ठीक है। अब म्यू टू डैश पता है वेरियंस के फॉर्मूले में, और म्यू वन डैश पता है, सबको क्या कर दो, पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे ये भी सिखाएं, हम नाक कटा दी तुमने मास्टर की। चलो निकालो कितना आएगा, अगर अब गलत आ गया, माइनस गलत आया तो बहुत तोड़ेंगे निकल के, क्या करेंगे, बहुत तोड़ेंगे निकल के तुमको। चलो क्या, म्यू टू की वैल्यू क्या, 12 माइनस म्यू वन की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 12 माइनस 9 कितना हो गया, बोलो 3 हो गया। तो वेरियंस यानी म्यू टू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये म्यू टू की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, 3 आ गई। लियो मीन भी 3 आया और वेरियंस भी 3 आ गया। समझ में आया, बिल्कुल आया, क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, बीटा वन निकालना है। बीटा वन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये दिया है, लेकिन बीटा वन में मेरे को क्या चाहिए, म्यू थ्री चाहिए, क्या चाहिए, चलो इसको मैं रब करता हूँ, ये बताऊंगा लिख के, ठीक है। बीटा थ्री निकालना है, क्या निकालना है, बीटा थ्री निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बीटा टू निकाल, बीटा वन निकालना है तो मेरे को म्यू थ्री चाहिए, बोल भाई चाहिए, बिल्कुल। तो म्यू थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का पावर क्यू, ये होता है फॉर्मूला, बिल्कुल यही होता है। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, म्यू थ्री डैश चाहिए, लेकिन मास्टर आपने म्यू वन निकालना सिखाया, म्यू वन डैश निकालना, म्यू टू डैश निकालना सिखाया, म्यू थ्री डैश भी सिखा दीजिए। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं। म्यू थ्री डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की स्क्वायर करते थे जब म्यू टू डैश निकाला था, लेकिन यहां मैं क्या करूंगा, क्यूब कर दूंगा, और बाकी सब चीजें क्या करूंगा, सेम एफ एक्स डी एक्स लिख दो, एफ एक्स के एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, बस सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, के बाहर जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर फाइव ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो गया, फाइव इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन इज इक्वल टू सिक्स, यानी किसके, के गामा सिक्स के बराबर, और गामा सिक्स क्या होता है, के इंटू फाइव फैक्टोरियल, और फाइव फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, ये होती है फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है। और के की वैल्यू क्या है बेटा, वन बाई टू, के की वैल्यू वन बाई टू इंटू ये फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, सिक्सटी और टू जा एक सौ बीस, तो सिक्सटी इंटू टू कर ले, टू से टू कटा कितना आ गया, थ्री है, सिक्सटी आ गया,
इतना आ गया, 60 आ गया, यानी जो आपका μ3' की वैल्यू है ये कितनी आ गई, 60 आ गई। देख लो एक बार फिर से सही किया है, 5 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटा, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 आ गई। क्लियर? तो मेरे पास μ3' की वैल्यू क्या है बेटा, 60 है। क्या है बेटा, 60। अब ये सारी वैल्यूज उठाइए और यहाँ पे क्या करिए, प्यार से पुट कर दीजिए। कैसे पुट होगा देखो, अब ये भी सिखाया मास्टर, इतने छोटी छोटी चीजें आपको सिखानी पड़ती है। चलो पुट करो, जब तक मैं रब कर रहा हूँ पुट करो, पुट करो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करो। चलो पुट करो जल्दी से, देखो कैसे होगा। μ3' कितना होता है, 60 माइनस 3। μ2' क्या है, 12। μ1' की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2। ये क्या है, μ1' 3 का क्यूब, क्या है, 3 का क्यूब। चलो कितना हो गया, 60 माइनस 3 3 9, 12 9 सा कितना होता है, 108 प्लस 3 का क्यूब कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 3 का क्यूब 27, 27 2 54। इन दोनों को आप ऐड करिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 114। क्या आ जाएगा, 114, 110 और 4 माइनस 108, कितना आ गया, यहाँ बचा 6। तो μ3 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्या μ3 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। क्या यही आ रही है, एक मिनट में चेक कर लूँ, μ3 की वैल्यू आ रही है 6। हाँ ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, μ3 की वैल्यू सही आई है। अब ये μ3 की वैल्यू आप क्या करो, बीटा बन के फॉर्मूले में पुट कर दो। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 3, सॉरी μ3, यहाँ 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, μ2 कितना है तुम्हारा, 12, 12 का क्यूब यही है, अरे नहीं μ2', ये μ2 की वैल्यू तुम्हारी 3 है, सॉरी 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 सॉरी। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, ये μ2' की वैल्यू है और ये μ2 की वैल्यू, यहाँ मेरे को क्या रखना है, μ2 रखना है, तो मैं ये 3 का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो बीटा वन क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 अपॉन, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9, 9 3 27। अब ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। तो बीटा वन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4/3 आई है। क्या आई है, ये कौन सी डिजाइन है, 4/3 आई है। क्लियर? तो ये क्या है, बीटा वन निकाला। बीटा वन निकालने में मेरे को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, जो कि क्या था, μ3 वाला। इस चीज को क्या करो, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं पता होगा तो बीटा वन नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आखिरी पड़ाव है क्वेश्चन का, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4/3, 4/3 आ गई। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अब आपको β2 निकालना है। β2 निकालने के लिए मेरे को μ4 चाहिए, और μ4 मेरे को पता नहीं है, μ4 का फॉर्मूला क्या होता है। चलो देखो क्या होता है, म्यूफोर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू फोर डैश माइनस 6 μ3' μ1' प्लस 4 μ2' μ1' माइनस 3 μ1' की पावर 4। क्यों होता है, ये 4 यहाँ होगा, सॉरी, और 6 यहाँ होगा, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर? ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए म्यू फोर कैसे निकलेगा,
म्यूफोर निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले म्यूफोर डैश निकालो, क्यों? क्योंकि म्यूफोर डैश मेरे को पता नहीं है, ये सारी वैल्यूज मेरे को पता है क्वेश्चन में, ये देखिए लिखी है। तो म्यूफोर कैसे निकलेगा? जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर फोर के एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही होता है। बिल्कुल, क्या किया मैंने, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर फोर एफ एक्स डी एक्स, ये जनरल फॉर्मूला होता है निकालने का म्यू फोर डैश। अब मैंने एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, क्या के को बाहर रख दिया, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर सिक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। चलिए, क्या ये हो गया गामा सेवन, और गामा सेवन क्या होता है? सिक्स फैक्टोरियल, और सिक्स फैक्टोरियल क्या होता है? फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, एक सौ बीस, एक सौ बीस इंटू छः, ट्वेल्व सिक्स ज़ार सेवेंटी टू, ठीक है। चलो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू, ठीक है। थ्री टू ज़ार सिक्स, ये ऐसे करो, फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी, ट्वेंटी सिक्स ज़ार वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी सिक्स ज़ार ट्वेल्व सिक्स ज़ार सेवेंटी टू, यानी कि सात सौ बीस बटे दो, तो ये आ जाएगा तीन सौ साठ, कितना 360। ये किसकी वैल्यू है? म्यू फोर डैश की। म्यू फोर डैश की वैल्यू क्या है बेटा? 360। अब 360 पुट करिए, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करिए, म्यू फोर निकालिए। चलिए निकालिए, कैसे निकलेगा, चलो पुट करो, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ साथ, जब तक बोल ड्रॉप कर रहा हूँ, आप वैल्यूज को क्या करो, पुट करो। चलो पुट करो, कैसे होगा? 360 माइनस, ठीक है, 4 इंटू 60 इंटू 3 प्लस 6 इंटू म्यू टू डैश कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहां पे आ जाएगा आपका 3, म्यू वन डैश कितना है? म्यू वन डैश है आपका 3, तो 9 इंटू 9 कर लो, या डायरेक्ट 81 लिख दो, तो मैंने अलग अलग किया, ठीक है। चलो कैसे होगा, 360 माइनस 4 थ्री जा 12, 12 सिक्स जा 72 यानी 720 प्लस 12 नाइन जा कितना होता है? 108, 6 इंटू 108 माइनस 3 थ्री जा 9, 81 इंटू 3। चलिए ये ऐड करिए, क्या होगा, 108 को 6, 8 सिक्स जा 48, 4 कैरी 6004, 6 वन जा 6, 648, तो ये हो गया आपका 648, ये हो गया 360 प्लस माइनस 720 माइनस 3 वन जा 3, 8 थ्री जा 24, तो क्या करिए, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों को प्लस करिए, उससे माइनस करिए, तो इसमें 360 ऐड करिए, 8 6 6 4 10, 1 6 3 9, 1 6 3 9, 1 10, ठीक है, ये हो गया 1008 माइनस 720 में से 243 आप ऐड करिए, 3 4 और 2 6, 7 और 2 9, 963 माइनस करिए, इन दोनों को आप माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये देखिए, ये 1000 से पूरा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 770, 70 और 30 37, तो ये बचा 1000 में से, अगर 963 माइनस करेंगे तो 37 बचा, और प्लस 8 और ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 45, ये आ जाएगा आपका 45, ये क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 45, इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45। तो ये 45 किसकी वैल्यू, म्यू फोर की वैल्यू है, म्यू फोर की वैल्यू कितनी है, ये 45 आई है, और म्यू टू की वैल्यू पता ही है आपको, म्यू टू की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, कैसे, देखो समझ में आया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो वैल्यूज आई है इनको यहाँ पे पुट किया, और यहाँ से म्यू फोर की वैल्यू 45 निकाली, क्लियर। अब चलिए क्या करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मजाक करना है, मजाक करना है, कुछ भी चल रहा है क्या मास्टर, चल अब देखो मेरे को क्या करना है, बीटा टू निकालना है, बीटा टू कैसे निकालेंगे, म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, म्यू फोर की वैल्यू कितनी आई थी, 45 आई थी, ठीक है, और म्यू टू की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 है, ये म्यू टू यहाँ पे वेरिएंस है, याद रखना बेटा, म्यू टू और म्यू टू डैश दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं,
मतलब जल्दबाजी में इसको यहाँ 12 मत लिखाना, ये वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेरिएंस का स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर 9, 9 वन जा 9, 9 फाइव जा 45, तो बीटा 2 क्या आ गया, 45 आ गया, क्या आ गया 40, अरे 45 क्या आएगा, है कुछ भी मास्टर 5 आएगा, ठीक है 9 फाइव जा 45, क्लियर। तो ये क्या होता है बीटा 2, और बीटा 2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मजा आया? ऐसे ही क्वेश्चन मेरे पास और है, क्योंकि देखो मैं इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में जो आपकी फंडामेंटल और मैथमेटिकल स्टेट है गुप्ता कपूर की, उसमें पीछे सारे क्वेश्चंस क्या है दे रखे हैं, और जनरली ज़्यादातर लोग वो क्वेश्चंस नहीं करते हैं, और पेपर यूनिवर्सिटी और जितने भी पेपर्स होते हैं कॉलेज के, क्वेश्चन वहीं से ही उठाए जाते हैं। तो इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आप क्या करो, क्वेश्चंस को एक बार कर लोगे मेरे साथ तो आप क्या फैमिलियर हो जाओगे इस तरीके के क्वेश्चंस थे, फिर क्वेश्चंस चाहे जैसा भी घुमा के आप क्या कर लोगे 2 मिनट में खेल कर दोगे, खेल मतलब सॉल्व कर लोगे, समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, ऐसे ही मैं क्वेश्चंस और लाऊंगा, आप पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे क्या करें मास्टर से बातचीत करना। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म, ओके बाय बाय टाटा।